के मन में समझ गए। लीडर क्या हो गया, लीडर का जो कम्युनिटी में उसकी वजह 70 साल के सियासत की खाई हुई है। एक लीडर बोलते जाती है हमारे जहन में गंदा आदमी, झूठ बोलने वाला आदमी, चमचागिरी करने वाला आदमी। मगर जमहूरियत इन डेमोक्रेसी सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हथियार क्या है, क्योंकि आप कानून कहां बनाएंगे, पार्लियामेंट में बनाएंगे, वहां पर नालायक लोग जाएंगे, वहां पर डमी लोग जाएंगे, वहां पर फोर्थ लॉ मेकर को दिक्कत होगी। कर्नाटक में बिल कहां पास होगा, कौन पास करेगा बिल, हिजाब के बारे में, गैस के बारे में कहां पे खड़े, यूनिफॉर्म सिविल कोड के डिबेट्स कहां पे होने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया है, आप स्टेट्स में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ट्राई कीजिए बोल के बोला, एक बोला इसे नॉट मैंने ऑप्शन बोल के जाओ सामने बोला, अगर कानून बनना है तो वो आर गोइंग टू डिबेट, एमएलए डिबेट करना पड़ेगा। और हमारे पास कितने एमएलए हैं, 7, कितने लोग कानूनी पहलुओं को देख करके, शरीयत को देख करके जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। सबको ख्वाहिश है कि हम फेसबुक में आए, हम जबरदस्त तकरीरें करें, पर ये ऐसे जो हालात हैं, इस हालात में सियासी मिजाज के नौजवानों को दुर्बल का नाम मैं अपने लिए नहीं बता रहा, मैं आई एम नॉट बीइंग वेरी मच, मैं गुजारिश करता हूँ बचिन खादर साहब के जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं कि कम्युनिटी शुड गिव गुड लीडर्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट। आज हमारे हालात इतनी खराब इसलिए है कि मुस्लिम लोगों को आज आप नौजवानों को अपील कीजिए कि आप सियासत में आएं,